नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। एमपी में 5,21,000 परिवारों को मिलेगी पक्की छत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। मध्य प्रदेश में आज 5,00,000 से ज्यादा परिवारों को अपनी छत मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,21,000 लोगों का गृह प्रवेश कराएंगे। पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर से वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर पहुँच गए हैं। 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा जरूरी बदलाव। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से अलग अलग क्षेत्र के कई बदलाव होंगे जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। पैन कार्ड और आधार नंबर लिंक करना तो अनिवार्य होगा ही, 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर कंपनियों के लिए ई इनवॉइस जारी करना भी अनिवार्य होगा। जिन कंपनियां या व्यापारियों का टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उनके लिए ई इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। अभी तक यह अनिवार्यता 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर थी। 31 मार्च तक किसी व्यक्ति के पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और पेनल्टी लगने की संभावना भी है। भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में सरकारी कर्मचारियों द्वारा 5,00,000 से अधिक और निजी कर्मचारियों द्वारा 2,50,000 से अधिक का योगदान दिए जाने पर मिलने वाले ब्याज को आय माना जाएगा और वह भी आयकर के दायरे में गिना जाएगा। इंदौर में रोजगार मेला, 10 कंपनियों में 750 नौकरियां, वॉक इन इंटरव्यू। स्टेडायल, डोमिनोज, पेटीएम और रिलायंस जियो सहित 10 प्रतिष्ठित कंपनियों में 5वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक 750 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। ओपन कैंपस यानी रोजगार मेला का आयोजन 30 मार्च 2022 को किया जा रहा है। उम्मीदवार सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ढक्कनवाला कुआ के पास ग्रामीण हाट बाजार में जिला रोजगार कार्यालय आयोजित होगा। उक्त मेले में 18 से 40 वर्ष के आवेदक जो कि 5वीं से लेकर ग्रेजुएशन किसी भी विषय में उत्तीर्ण आवेदक तथा एमए, आईटीआई, डिप्लोमा आदि योग्यता के आवेदक भी रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अब प्राइवेट विद्यार्थियों को 15 दिन कॉलेज जाना होगा, सीसीई और प्रैक्टिकल में भी शामिल होना होगा। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहली बार होने जा रहे बीकॉम बीए प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा के सारे नियम बदल गए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब प्राइवेट छात्रों को मूल परीक्षा के अलावा 15 दिन कॉलेज जाना होगा। इस दौरान उन्हें कॉलेज पहुंचकर सीसीई टेस्ट देना होगा। इन छात्रों को हर विषय में कुल 30 अंकों के प्रैक्टिकल होने के कारण कॉलेज आना ही होगा। कम से कम 15 दिन यह प्रैक्टिकल सीसीई या वाइवा चलेंगे। एक विकल्प सीसीई न देने वाले छात्रों को दिया गया है। इसके तहत छात्र को स्वयं पोर्टल पर अपने विषय चुनकर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में ऑनलाइन ही नंबर अलॉट होंगे। यह नंबर प्रैक्टिकल के अंक माने जाएंगे। 3,000 मोबाइल नंबर ऐसे ट्रेस जिनसे बार बार हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड, इन्हें ब्लॉक कराएगी पुलिस। क्राइम ब्रांच ने ऐसे 3,000 मोबाइल नंबरों की पहचान की है जिनके जरिए बार बार ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे हैं। अब इन नंबरों को ब्लॉक कराने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक साल के शुरुआती 3 माह में ऑनलाइन फ्रॉड की 1200 शिकायतें मिली थीं, जिनके आधार पर यह डेटा तैयार किया गया है। ये वे नंबर हैं जिन्हें ओडिशा, बिहार, यूपी, दिल्ली व मध्य प्रदेश के बदमाशों ने दूसरों के आईडी पर एक्टिव करा रखे हैं। जिन 3,000 नंबरों का डेटा तैयार किया गया है उनसे सिर्फ इंदौर ही नहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ठगी हुई है। इसलिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सभी राज्यों की जांच टीम से भी नंबरों को शेयर किया जा रहा है और साझा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अप्रैल में इन तारीखों को बैंक में रहेगी छुट्टी, लिस्ट देखकर ही निकले बैंक। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से होने जा रही है। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। इसके साथ ही इस महीने में अलग अलग जोन में कुल 30 दिनों में 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको नए फाइनेंशियल ईयर में बैंक से जुड़ा इसके साथ ही इस महीने में अलग अलग जोन में कुल 30 दिनों में से 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बैंकों से जुड़ी छुट्टियों की पूरी लिस्ट है। इस साल अप्रैल में गुड़ी पड़वा, अम्बेडकर जयंती और सरहुल के अवसर पर अलग अलग जोन में बैंकों में अवकाश रहेगा। कुछ छुट्टियां शनिवार रविवार की होंगी, बाकी अलग स्थानों पर बैंकों की अलग अलग छुट्टियां रहेंगी। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, वार्षिक बोनस की घोषणा। मध्य प्रदेश सशन की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा।
यानी कि सैलरी में हर महीने 583 रुपए बोनस के मिलेंगे। कंपनी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण पत्र देने पर विद्युत कंपनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा। बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33% और अधिकतम 7,000 रुपए तक प्रतिवर्ष किया जाएगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्विस चार्जेस, ईपीएस और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जांच के आदेश दिए, एमएपीआईटी को जिम्मा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच एमएपीआईटी के जरिए कराई जाएगी। आरक्षक भर्ती में सामने आई गड़बड़ी को लेकर कैंडिडेट्स ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। कैंडिडेट्स ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसके बाद गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि रिजल्ट सिर्फ एक बार ही आया है और वो बहुत ही स्पष्ट है। यदि किसी ने कूट रचना की है तो वह कूट रचित है, तो हमें आकर बताएं। इस विषय में पीईबी के बड़े अधिकारी से भी बात की है। इसके बाद जांच के आदेश हो गए हैं। प्रदेश में जल्द जीएसटी ऑडिट, बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी की ऑडिट प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा एसओपी यानी कि ऑडिट के सारे नियम तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि ये नियम केंद्रीय जीएसटी के दायरे में ही होंगे, लेकिन आगे चलकर विभाग जीएसटी ऑडिट को भी फेसलेस प्रणाली के तहत करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में सेंट्रल जीएसटी विंग द्वारा ऑडिट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में जीएसटी ऑडिट से जुड़ी कई नई चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग ऑडिट किया जाता था, जो अब एक विभाग और एक ऑडिट में समायोजित हो जाना है। व्यापम फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम घोटाले में सजा। सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 7-7 साल की जेल की सजा। मध्य प्रदेश में व्यापम की वन रक्षण परीक्षा 2012 में फर्जी तरीके से एग्जाम देने वाले 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत के जज नीति राज सिंह सिसोदिया ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामले में विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने पैरवी की थी। मामले की जाँच एसटीएफ और एएसपी अरुण कश्यप और सीबीआई इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने की थी। कोर्ट ने इस केस में देवेंद्र कुमार जाटव पुत्र भूषण लाल, पदम सिंह खरे पुत्र मुरली और आनंद सागर पुत्र अर्जुन प्रसाद को सजा सुनाई। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।